फ्रेंड्स, स्वागत एक नई वीडियो में। इसके टॉपिक है फिंगरप्रिंट लॉक किस प्रकार से सेट करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है और पोको का फोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा फिंगरप्रिंट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखी उसे ड्रॉ कर लेंगे, तब आपका ऑप्शन आएगा इधर एड फिंगरप्रिंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको इधर पावर बटन इधर एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप उस पर पावर टच करते रहेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आपका ये सेट होता जाएगा एंड पावर टच करेंगे जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है। एंड ये सर्कल देख सकते हैं, और जब आपका ऑप्शन आया था और मतलब सेट हो जाता है आपका, फिर इसके बाद देख सकते डन का ऑप्शन आ गया। एंड इस पर क्लिक कर देंगे, सो होम करेंगे। और फ्रेंड्स, एक और बात बता रहे थे, आप एक ही फिंगर से ही मतलब कि और भी ऐड कर सकते हैं अपनी उंगली। तो जैसे ही दूसरा सेट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, जब स्क्रीन लॉक लगा रहे हैं ड्रॉ कर लेंगे, फिर दूसरी उंगली का आप सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। एंड इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक दो दो उंगलियों का भी सेट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एंड इसे होम कर देंगे, फिर देखते हैं सेट हुआ है नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं फिंगरप्रिंट से ओपन करी, नहीं हो रहा है। स्क्रीन लॉक भी लगा हुआ देख सकते हैं, इससे नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पर क्लिक करते हैं इससे तो मेरा और फिंगरप्रिंट से ओपन हो गया लॉक। उसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।